सो गाइज आज हम एक बीट को फिक्स करने वाले हैं जो हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। सो गाइज जैसा कि मैंने ना एक ऑफर रखा है आप सब लोगों के लिए, मेरे पास जो भी सर्विसेज है लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग, अगर आपको कोई गाना बनवाना है या फिर कुछ भी सर्विस जो म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उस सब सर्विस के ऊपर मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ हर एक बंदे को, कोई भी सर्विस हो वो, ठीक है, कोई भी, सब पे 50% ऑफ आपको मिलेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी चीज में, ठीक है, ये वैलिड है सिर्फ 5 जुलाई तक, पहले 30 जून तक था तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मैंने 5 जुलाई तक कर दिया। जो इंटरेस्टेड है फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करो और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नेम आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिकल तरण, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये रहा प्रोजेक्ट एंड मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 प्लगइन्स हैं जो मैं थर्ड पार्टी, वैसे आपको पता मैं कम यूज़ करता हूँ। तो फटाफट अब स्टार्ट करते हैं फटाफट और यहाँ पे सुनते हैं एक बारी। तो काफ़ी चीज़ें ऑफ ट्यून जा रही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी खराब साउंड कर रही हैं। तो इन्होंने मेरे को स्केल बताया है ए माइनर का, बट इसका स्केल अगर हम ढूँढें, मैं स्केल कैसे ढूंढते हैं वो देख लो। पहले हमने लिया FL कीज, बी आ रहा है। तो हमारा जो स्केल निकल के आ रहा है वो आ रहा है बी माइनर। और मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे आप देख सकते हो बी माइनर आ रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है, ट्यून के अंदर है। और ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, ऑफ साउंड कर रहा है मेरे को शायद ये। और एक और तरीका, अगर आपको सैंपल का जो स्केल चाहिए कैसे वो निकालते हैं, राइट क्लिक किया, गए ऑडियो एडिटर में, राइट क्लिक रीजन्स एंड डिटेक्ट पिच रीजन्स, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट मिल जाएगा जो कि है जी, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जी 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 सारे जी जी नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यानी कि इसका स्केल है वो जी है लेकिन हमारा बी पर है, तो जी हो गया हमारा यहाँ पे जी बी। लेकिन इसके अंदर एक कमी ये भी है कि इन्होंने सी पे लगा रखा है। अब हमने इसका नोट तो ठीक कर दिए, अब हम इसको बी पे करना है, तो अब बी पे हो गया, यस, नाइस नाइस। एक बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है इनकी, इतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं जानी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। किक चेंज करेंगे अभी हम, ये ऑफ ट्यून में है, डी शार्प पे हमारी ये चल रही है, बट अगर देखा जाए डी शार्प पे हमारी 808 है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको बता देंगे जी हमारा है डी शार्प पर, ठीक है। ओके नाइस, अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम ये चीज़ सुनते हैं, ये देखो, अभी हमारी जो साउंड्स हैं वो ट्यून के अंदर हो गई हैं। अभी हम ना किक चेंज करते हैं, जैसे कि इन्होंने थोड़ा सा ये हमारा कौन सा बोलते हैं ड्रिल है ना ये हमारा, तो हम ड्रिल के थोड़े सैंपल्स लेते हैं और किट में से देखते हैं किक चेंज करते हैं। डिस्टॉर्टेड तो हर एक किक होती है बट इनकी ना ओवर डिस्टॉर्टेड मेरे को लग रही है बहुत ही ज़्यादा, ये सुनो, धूम
क्या हम यस इक्यू में इन्होंने लोस काट रखे हैं. लोस क्यों काटे हैं? हाइस काटो. नाइस सॉफ्ट क्लिपर इक्यू. भाई पंच इंक्रीज करना हमें. यस थोड़ा सा पंच इंक्रीज हुआ. इसको थोड़ा सा हम टाइट भी करेंगे, थोड़ा सा कंप्रेशन करेंगे. कहीं ना मेरे को ईक्यू में थोड़ी सी कमी लग रही है. यस ओके यहाँ पे अब ठीक है. अब हम चेंज करते हैं साउंड. यस ओके अब सुन सकते हो किक के अंदर पंच आया थोड़ा सा. और मेरे को 808 थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, थोड़ी सी 808 भी चेंज करते हैं. देखो मेन आपका जो पूरे गाने के अंदर जो खेल है वो है साउंड सिलेक्शन का. साउंड सिलेक्शन जहाँ पे आपकी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, जैसे मैंने किक चेंज करी है और पूरे म्यूजिक के अंदर ना ड्रम्स के अंदर थोड़ा सा पंच ऐड हो गया, जैसे किक की साउंड चेंज हुई है. तो ठीक है 808 डालते हैं. अच्छी है ई सी डी ई. ई यहाँ पे आएगा और इसका हम धप धप हटा देंगे, यानी कि अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा. जैसे इन्होंने ये चीज करी है, इन्होंने स्लाइड करने की कोशिश करी, इनसे स्लाइड नहीं हुआ. तो हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ये स्लाइड का बटन ऑन कर देंगे. हाँ ऐसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हटाया और अब सुनते हैं इसको यहाँ पे. अब वही है स्लाइड. अब इसको पकड़ेंगे, यानी कि हमने सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके यहाँ पे ये स्लाइडिंग का जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे हम. इसका मेरे को काम कोई लग नहीं रहा वैसे फिलहाल. देखो ये साउंड सिलेक्शन हमने थोड़ी सी चेंज करी है, जो हमारी साउंड ट्यून के अंदर नहीं थी, नोट्स के अंदर नहीं थी, प्रॉपर स्केल के अंदर नहीं थी, उसको हमने स्केल के अंदर डाला है. ठीक है और अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं. थोड़ा सा ना अरेंजमेंट टाइप कुछ करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं थोड़ी सी. अरेंजमेंट में उन्होंने बोला थोड़ी सी दिक्कत आई, एफएक्स लगाते हैं थोड़े से. अभी मैं इसको थोड़ा सा 8 बार आगे कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, ये कर लिया 8 बार आगे. ठीक है स्टार्टिंग में देखते हैं क्या आना चाहिए. ये लगा सकते हैं और अब यहाँ पे हम इसको देंगे काट. यस अब मेरे दिमाग में आइडिया है. अब हम इसको यहाँ पे स्लाइड डाल के एंट्री देंगे. इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे काट देंगे और यहाँ पे ठीक है ये तो डल गया. अब थोड़ा सा ना हमें साउंड्स को भी चेंज करने की जरूरत लग रही है मेरे को, थोड़ी सी ज़्यादा ही लोफाई सी लग रही है. ये ठीक है तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा पैटर्न सा चेंज करना. ठीक
ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में देखेंगे अब। पहले थोड़ा से ना हम एफेक्ट्स लगाते हैं थोड़े से, जैसे कि राइजर्स हो गए, क्रैश हो गए, ये सब चीज़ें। ये दोनों साउंड हम इनके स्टार्टिंग का एक टक हटा देते हैं एकदम से जब डाल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे माइनर माइनर सा ही ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस करेंगे ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा देते हैं, ये डाला हमने, ज़्यादा हमें चेंजेस करने नहीं, क्योंकि मैं पता क्या करता हूँ हमेशा, मैं एक सैम्पल ऐसे रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं हमेशा वोकल रिकॉर्ड करता हूँ पहले, ताकि मेरे को पहले से ही पता लग जाए। मिक्सिंग में मोस्टली कम ही करता हूँ म्यूज़िक के अंदर, रिकॉर्डिंग से पहले क्या है कि मेरे को वोकल के अंदर जो स्पेस चाहिए होती है वो मैं पहले स्पेस बनाता नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं वोकल कैसे जाएँ कैसे ना जाएँ, वो हल्का फुल्का भी चेंजेस होता है ना, तो फिर पूरा म्यूजिक का हमने मिक्सिंग चेंज करनी पड़ती है। इसलिए मैं रॉ छोड़ देता हूँ, हल्का सा लेवलिंग करी, लेवलिंग करके छोड़ दी, रिकॉर्डिंग करी, और रिकॉर्डिंग करने के बाद अपना मैंने मिक्सिंग करी, उसके बाद मैं उससे पहले नहीं करता कभी भी। आप ये भी बात नोट कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है ये, आप इसको नोट बिल्कुल कर सकते हो। तो अभी देखते हैं जरा क्या क्या यूज़ किया गया। आगे प्ले करते हैं, अगर देखा जाए ओरिजिनल, बहुत बढ़िया। अभी हम मिक्सिंग चेक कर रहे हैं इनकी, ठीक है, अगर ठीक नहीं है जो जो कल गलतियाँ होंगी वो हम ठीक करेंगे। अब देखो मैं ये लोज़ को और क्यों काट रहा हूँ, मैं लोज़ को इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि देखो किक चल रही है हमारी, बेस चल रही है, और इसका लो जाएगा ना जब, ये आपको सुनाई नहीं देगा, ये देखो ये जब जाएगा ना ये क्लैशिंग करेगा, फिर जी बाद में प्रॉब्लम आएगी जी, मिक्सिंग नहीं हो रही, इसलिए पहले ही क्लियर रहो। रिवर्ब बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, आपकी लेवलिंग तो इधर से चल रही है रिवर्ब से। पहले रिवर्ब नहीं, पहले EQ, ओके ठीक है। ये कंप्रेशन तो आपने कर दी, ये नहीं करना ना, कंप्रेशन तो हमने भाई जी कर दी। यहाँ पे साइड चेन आके किक को साइड चेन करो, आपने देखो ये चेन बना रखी है यहाँ पे, अब साइड चेन आएगी। एडजस्ट कर दी, अब इसको थोड़े से EQ मारेंगे हम, बहुत लो बेस है इसके अंदर, तो बढ़िया साउंड करेगा गाड़ी के अंदर। मीटर
ठीक है, ये दोनों आपने प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे में बिल्कुल नहीं आ रहे। ओके, ये ड्रम्स का आपने बना रखा है। देखो इसके अंदर मिड की टोन बहुत ज़्यादा आ रही है, टक 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 टक। ओके नाइस, इसमें फेवरेट प्लग ब्लड ओवरड्राइव। Automatic. Yes. I'm tight running. Up. अब हम करते हैं इसकी लेवलिंग, और मैं आपको लेवलिंग करने के बाद ही मिलता हूँ एक बार ही ना। अब लेवलिंग देखो मैं कैसे करूँगा। इसके अंदर ब्लड ओवर ड्राइव की जरूरत। थोड़ी सी लाउडनेस भी डाल देते हैं ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस पता लग जाए। लाउडनेस हम डालेंगे हमारा मैक्सिमम से डाल देते हैं थोड़ी सी। हम प्रीसेट यूज़ करेंगे जी, हमें पता है क्लीन मास्टर। इन्होंने क्या बोलते हैं इसको, ऑटोमेशन डाल रखी है, पता नहीं कहाँ पे डाल रखी है इन्होंने। पैटर्न्स ऑटो किक की वॉल्यूम डिलीट करते हैं, और अब यहाँ पे सो गाइस आप सुन सकते हो मैंने क्या क्या चेंजेस करे। आप बिफोर एंड आफ्टर एक बार सुन लो, मैं फिर से एक बार प्ले कर देता हूँ। तो ये
ये था बिफोर एंड आफ्टर जैसे कि आपने सुना, और होप करता हूँ जी आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हो, जिनका भी ये प्रोजेक्ट है, आपको समझ आ गया होगा और मैं होप करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और आप क्या ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको, आप सब लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मैंने कौन सी चीज़ किस लिए करी है, मैंने ट्यूनिंग कैसे करी है, मैंने हमिंग करके मैंने स्केल कैसे निकाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, और आप अगर आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो आप अपने प्रोजेक्ट्स भी मेरे को सेंड कर सकते हो ताकि मैं उनको ठीक करके आपको वापस भेजूंगा। ये भी मैं उनको अभी सेंड कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा उनको वापस, ताकि उनको पता लग जाए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी और अब उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। बाकी मैंने एफएक्स सेक्शन में थोड़ा सा यूज़ करा, मैंने अरेंजमेंट नहीं करी, क्योंकि अरेंजमेंट भी देखो करने को मैं कर दूं, बट वही है कि उनको मान लो एक तरीके का होमवर्क दे रहा हूँ कि वो अरेंजमेंट करें कैसे करेंगे, और साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं, अभी काफ़ी स्पेस है और स्ट्रिंग्स भी ऐड हो सकती है इसके अंदर। अभी ये सब चीज़ें आप खुद भी ट्राई करो, और इस वीडियो से देख के होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।